Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding an update for PhD admission for January 2023 batch at ICER Pune. So ICER Pune की जैसे ही आप official website पर visit करेंगे तो अगर हम PhD program in biology के लिए यहाँ पर online application release की गई थी 16 सितंबर 2022 में यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो गया था एंड द क्लोजिंग डेट जो है लास्ट डेट वो है अक्टूबर 10, 2022. सो उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं. यहाँ पे आईसर पुणे में डिफरेंट एरिया ऑफ रिसर्च होती है तो यहाँ पे जो फील्ड अवेलेबल है आपके लिए अभी वो है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, प्लांट बायोलॉजी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. तो यहाँ पे एक इन्होंने इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है कि ओनली दोज फैकल्टी मेंबर हुज नेम आर गिवन अबव विल एक्सेप्ट द स्टूडेंट थ्रू दिस राउंड ऑफ पीएचडी एडमिशन. मींस जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है जैसे थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स के नाम, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम इन्होंने लिस्ट आउट किए हैं, तो ओनली यही जो फैकल्टी है इस बार स्टूडेंट को लेने वाली है बिकॉज यहीं पे वैकेंसी उनकी लैब में अवेलेबल है. तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनसे मैच करता है तो ही आप अप्लाई करिए. देयरफॉर बिफोर अप्लाइंग स्टूडेंट शुड चेक दिस लिस्ट केयरफुली टू इंश्योर दैट देयर लैब ऑफ इंटरेस्ट आर अवेलेबल फॉर एडमिशन इन दिस राउंड. मीन सारी लैब्स अवेलेबल नहीं है, इन्हीं प्रोफेसर्स की लैब अवेलेबल है. अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनसे मैच होता है देन यू कैन अप्लाई. एप्लीकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे A1 एंड A2 है. मास्टर्स होना चाहिए A1 में आपका, BE, BTech और MBBS अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, बायोडायवर्सिटी, साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और CGPA होना चाहिए इक्विवेलेंट. अगर आप 55% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST या PWD के लिए बिलोंग करते हैं, और फॉर जनरल OBC एंड EWS 60% मार्क्स. सेकेंड A2 एप्लीकेशन क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 5 ईयर के लिए PhD फेलोशिप होनी चाहिए लाइक CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF, ICMR JRF. तो यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप और भी फेलोशिप यहाँ पे मेंशन की गई हैं, या फिर आपके पास JEST GPAT इसका स्कोर होना चाहिए वैलिड, इंस्पायर PhD फेलोशिप या फिर क्वालिफाइड गेट, जो भी यहाँ पे मेंशन है इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू प्रोसेस उसके बाद होगा. जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर उनको शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको मेल आएगा, आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा. अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक दिया है, आपको उसको क्लिक करना है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक वो आएगा, PhD एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बायोलॉजी एट आईसर पुणे. तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है, अपना फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट ईमेल, नेशनैलिटी, जेंडर, डिसेबिलिटी, कैटेगरी. इस तरीके से आपको ये पूरा पेज फिल करना है और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे मैच करता है सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बिकॉज लास्ट डेट आपका अक्टूबर 10 है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए. So this is all about this video. Hope you like this video. If you have still any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you for watching this video.